व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगाए। आज मैं फिर से इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने FM व्हाट्सएप के बारे में जब बताया था और उसके फीचर्स भी बहुत सारे बताया था, उसके साथ भी मैंने बताया था कि व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए था। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नसीम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एनाटेंड्रोलॉजी। सबसे पहले जो व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो उसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चैट में, आपको चैट को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको चैट बैकअप कर लेना है। चैट बैकअप कर लेने के बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। तो चैट बैकअप हो चुका है, उसका हम लोग सिंपली बैक कर लेते हैं। बैक कर लेने के बाद जो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपका फोन में किसी भी तरह का ब्राउजर है तो आपको उसको ओपन कर लेना है। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है FM व्हाट्सएप F लेटेस्ट वर्जन, आपको इसको सर्च करना है। करने के बाद आपको सिंपली technonation.com में जाना है, क्योंकि इस वेबसाइट में सबसे इजी से डाउनलोड होता है FM व्हाट्सएप। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे FM व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह FM व्हाट्सएप को भी ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 मोड का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सल का मिल रहा है, आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन कलर्स का है, आपको उसको ओपन करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का मिल रहा है, आपको उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सिंपली फोटो में क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद आप यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली हम लोग कोई भी एक फोटो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट का बटन है, आपको यहाँ पे सेट का बटन में क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको बैक हो जाना है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे बैकग्राउंड अपना चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना होम स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।